हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला है उसकी शीट्स किस तरीके की होंगी और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे शीट्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम ओरिजिनल शीट को देखते हुए करेंगे। तो चलिए देखते हैं एसएससी एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव की शीट कैसी आती है पेपर के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इसी टाइप की आपकी आंसर शीट आएगी एग्जाम के अंदर और यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये सीजीएल एग्जाम का है तो इसके अंदर जो वर्ड लिमिट है वो 200 वर्ड्स रखी गई है लेटर के लिए, लेकिन आपके लिए जो वर्ड लिमिट होगी 125 टू 150 वर्ड्स होगी। सो इसके अंदर जो पूछा गया है वो है, एक आपको लेटर लिखना है स्पोर्ट सेक्रेटरी को, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट की, रियो ओलंपिक के अंदर जो भारतीय परफॉर्मेंस रहा है वो किस तरीके रहा और उसके अंदर आपको सजेशंस देने हैं इंडिया कैसे इम्प्रूव कर सकता है अपने नेक्स्ट ओलंपिक के लिए। सो यहाँ पर ये एक लेटर है, लेटर का जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक शीट जिसके नीचे होगी ब्लॉक वाइज स्टार्ट हो जाएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पर 5 ब्लॉक्स दिए हुए हैं रो वाइज और उसके बाद ये कॉलम वाइज अरेंज होंगे और आपको इसी पैटर्न के अंदर लेटर को लिखना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद अपना एड्रेस मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में अपने पूरा पिछले लेटर्स के अंदर, उसके बाद एक लाइन का गैप, उसके बाद आपको इंक्लूड करनी है डेट, डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, और उसके बाद फिर एक गैप, उसके बाद आपको इंक्लूड करना है रिसीवर्स एड्रेस, और आफ्टर दैट आप अपने पूरे एसे को यहाँ इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो ही पेपर इंक्लूड किए हैं लेटर के लिए। तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेन बॉडी के अंदर डालनी है, उसके बाद एंड करते वक्त आपको थैंकिंग यू ने यहाँ पर नहीं लिखा है। सो योर्स फेथफुली एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको लेटर को लिखना है। ये एक RTI रिप्लाई के थ्रू आया था तो मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया। अब देख लेते हैं एसे के क्वेश्चन। सो जो क्वेश्चन आया था ऐसे का स्वच्छ भारत मिशन का 250 वर्ड्स के ऊपर लिखना था। सो इसके अंदर भी जो 5 ब्लॉक्स दिए गए हैं रो वाइज और हॉरिजॉन्टली आपको पूरा ऐसे ब्लॉक वाइज लिखना है। तो कुछ इस तरीके की शीट आएगी, आप देख सकते हैं। मैं कुछ और शीट्स दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, अगर आपको गैप छोड़ना है तो किस तरीके से छोड़ना है ऐसे के अंदर, और पैराग्राफ स्टार्ट करना है आपको एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से। ऐसा मत करिएगा कि आप दो ब्लॉक छोड़ दें और यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट करें। सो पैराग्राफ जब भी स्टार्ट करें तो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिएगा। एक दो ब्लॉक यहाँ छोड़ दीजिएगा क्योंकि यहाँ के ब्लॉक्स मैटर नहीं करते, लेकिन जब यहाँ पर आप ब्लॉक छोड़ेंगे तो ये दिखने में थोड़ा हेजी सा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट। सो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से आपको आंसर शीट मिलेगी और इस तरीके से आपको पूरे आंसर शीट को फिल करना है। बात करते हैं वर्ड लिमिट की, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ वर्ड लिमिट 125 से लेकर 150 होती है लेटर के लिए, और बात करते हैं ऐसे के लिए तो ऐसे आपको 200 से लेकर 250 वर्ड्स के बीच में लिखना है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी डाल चुका हूँ कि आपको चूज किस तरीके से करना है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि ऐसे और लेटर के अंदर से आपको किस चीज़ को चूज करना है। एक बार मैं और बता देता हूँ कि ऐसे अगर आपको करना है तो आपका कंटेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ऐसे के लिए। अगर आप लेटर चूज करते हैं तो लेटर एक बहुत ही ईजी ऑप्शन बनता है। फॉर्मेट के ऊपर अगर आप ध्यान दे दें तो आप लेटर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और वर्ड लिमिट कम होती है तो आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, तो आप अपनी राइटिंग के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं लेटर के अंदर। लेकिन ऐसे के अंदर तो आपको 250 वर्ड्स तक ऐसे लिखना ही पड़ेगा, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए और वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, और आपके सेंटेंस भी इनोवेटिव और क्रिएटिव होने चाहिए ऐसे के अंदर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जो सारी स्लाइड्स में यूज़ किए हैं पिक्स, आप उन्हें देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से आपकी शीट होगी। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इसलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ा, और कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपके सारी क्वेरीज का आंसर दे सकूं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही और हम अपडेट कर सके अपने कंटेंट्स को। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपको आगे भी प्रोवाइड करते रहें। बाकी सेक्शंस की वीडियोस में भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की। सो टिल देन, गुड बाय और कीप स्टडी।